ठीक है, क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.3 में उससे पहले क्वेश्चन नंबर करना है 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, उससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको करवा चुका हूँ, उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम, इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एक डायग्राम है ए बी सी, ये आपका डायग्राम बन गया ए बी सी और एल्टीट्यूड क्या है बी, इस साइड में है आपका ई और यहां पे है आपका डी, क्लियर है? ठीक है, एल्टीट्यूड दो दिए हुए हैं, एल्टीट्यूड ए डी एंड ई सी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल भी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें सबसे पहले क्या लिख दीजिए, गिवन गिवन इन ट्रायंगल, देखिए अगर कोई भी सवाल लगाना है तो इससे सबसे पहले आप जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको करेंगे, अपने आप सवाल आसान हो जाएगा, समझ में कई बार, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट क्या करना है वो लिखिए, देन आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा, फिर एक मिनट लगेगा सॉल्व करने में, तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रिंगल है जिसमें क्या है ए डी एंड ई सी या सी ई क्या है एल्टीट्यूड इज आर एल्टीट्यूड, ऐसे लिखना आर एल्टीट्यूड, इन द सेंस ट्रिंगल ए बी सी डी में ए डी एंड सी ई एल्टीट्यूड, किसी भी ट्रिंगल किसी भी साइड में अगर एल्टीट्यूड बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहां पर ए बी पर एल्टीट्यूड क्या है सी एंड बी सी पर एल्टीट्यूड क्या है ए डी, क्लियर है? ऐसा भी कह सकते हैं कि ई सी ई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और क्या गिवन दिया हुआ है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट का नाम क्या है पी, ठीक है, सो दैट अब प्रूफ करना है अपने को, फर्स्ट प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ, यहां पर लिख दो टू प्रूफ, टू प्रूफ, फर्स्ट क्या प्रूफ करना है आपको ट्रिंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रिंगल सी डी पी, ठीक है, सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है ए ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रिंगल सी बी ई, क्लियर, फिर थर्ड ट्रिंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रिंगल ए डी बी, सिमिलर का सिंबल सिंबल सिंबल, एंड लास्ट ट्रिंगल पी बी सी सिमिलर है ट्रिंगल बी ई सी, इतनी सारी चीजें आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला फर्स्ट करते हैं प्रूफ, फर्स्ट फर्स्ट को क्या करना है टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है आपको ट्रिंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रिंगल सी डी पी, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, अब इसमें प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं प्रूफ, तो इन ट्रिंगल ए पी पी एंड ट्रिंगल सी डी पी, क्लियर है इतना,
अब ये दोनों ट्रिंगल आपको यहां से बना लेना है, ए ई पी, ए ई पी कहां है, ए ई और पी, ये ट्रिंगल हो गया आपका एक। दूसरे ट्रिंगल से बन क्या कह रहा है, सी डी पी, सी डी पी, ये दोनों ट्रिंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रिंगल में आप देखिए कि एक एंगल कोई ना कोई इक्वल है, कौन कौन से एंगल इक्वल है आप देख रहे हैं, एंगल ए ई पी, ध्यान देना, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी सी डी, सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। और दूसरा क्या इक्वल है इसमें देखिए, एक एंगल देखो ये 90 डिग्री है इस सिंगल का, ये भी 90 डिग्री सिंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको भी आप बता दीजिए यहाँ से कि एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी इक्वल टू इक्वल होगा वाई, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल अब टू एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल क्या होगा, आल्सो इक्वल होगा, ठीक है। बस तो अब यहां से क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए इस पे कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी, और यहां पे क्या लिख दोगे, ए ए क्राइटेरियन, ठीक है। ये शुरू से क्या होगा, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड सॉल्व करना है, सेकंड क्या सॉल्व करना है, इसमें टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रिंगल ट्रिंगल सी बी ई, क्लियर है। अब ये दो ट्रिंगल आप या तो यहां मार्क कर लीजिए पहले, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, अब इसको मार्क कर लूंगा मैं, कौन कौन से कर, ए बी डी, ए बी और डी, मतलब ये पूरा एंगल ये हो गया। सेकंड एंगल क्या है आपका, सी डी ई, तो सी डी ई इसको मार्क कर लिया मैंने ये ब्लैक से, ठीक है। अब इन दोनों ट्रिंगल में आप ऑब्जर्व कीजिए क्या चीज दिख रहा है आपको, एंगल बी कॉमन, एंगल बी कॉमन, नहीं यहाँ पे और कुछ दिख रहा है ना, जो इस वाले ट्रिंगल में ये 90 दिख रहा है, उसमें एंगल डी 90 होगा, ब्लैक वाले में यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, हो गया। और दूसरा एंगल क्या है, सी सी बी ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल सी ई बी, इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। और दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको, बी एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई इज कॉमन, यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉमन, ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन हो गया। अब देखो दो एंगल फिर से इसमें इक्वल हो गए, अब दो एंगल इक्वल हो गए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंकरेंट हो जाएगा, कैसे, ए ए क्राइटेरियन से, यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेंस
ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रिंगल सी बी ई से, और यहाँ पे क्या लिख दोगे ए ए क्राइटेरियन या ए रूल से। ठीक है, ए क्राइटेरियन। तो इस तरह से दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, दो क्वेश्चन ये बचे हुए हैं, इसको आप सिर्फ आपको खुद करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए आपसे बन जाएंगे। क्लियर है, इसी तरह सॉल्व करना है और आपसे बन जाएंगे। पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसी तरह इनको क्वेश्चन करना है, मार्क करना है, अलग अलग ट्रिंगल बनाना है। जब आप अलग अलग ट्रिंगल्स बना दोगे तो आपको पूरी व्यू क्लियर हो जाएगी, फिर आपको बस देखना है और लिख देना है। समझ में आ गई बात। ठीक है, प्रोसीड कीजिए। ये तो कॉमन है।